नमस्कार, वॉइस ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान सागर और आज वॉइस ऑफ सीतामढ़ी के ऑफिस में मौजूद हैं सीतामढ़ी जिला के उभरते हुए नामचुन शायर कवि जमील अख्तर शफीक साहब। आप हैं शफीक साहब, आप पूरे हिंदुस्तान लेवल पर आप शेरो शायरी करते हैं। हिंदुस्तान लेवल के जितने भी बड़े शेरो शायरी के मंच होते हैं, कवि सम्मेलन के मंच होते हैं, आप वहां तशरीफ ले जाते हैं, आपको बाकायदा वहां बुलाया जाता है। आपने पिछले 10 साल पहले 2006 के आसपास में आपने शेरो शायरी से की जो शुरुआत है वो आपने अपने गांव के इलाके बारपट्टी से शुरू की और रफ्ता रफ्ता आप सीतामढ़ी और बिहार होते हुए आज का जो दौर है आप पूरे हिंदुस्तान में सुने और पढ़े जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप सीतामढ़ी जिला के बारपट्टी प्रखंड के माधोपुर संधवारा मधुरापुर संधवारा बस्ती के रहने वाले हैं। आपके पिता मास्टर शफीक साहब जो पेशे से एक टीचर हैं, आपने तकरीबन लगभग 1000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, आपने 500 से ज्यादा बच्चों पर कहानियां लिखी हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जिससे बच्चों में नैतिकता पैदा की जाए, बच्चों में अदब और तहजीब पैदा की जाए, बच्चों को कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, उनके संघर्ष करने के लिए 500 से ज्यादा कहानी लिखी है। और आपका एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है, मैं आपको सुनाऊंगा कि जमाना क्या मेरे कद पे कोई उंगली उठाएगा, जमाना क्या मेरे कद पे कोई उंगली उठाएगा, हवाओं से बहुत आगे मेरी रफ्तार होती है। तो जमील अख्तर शफीक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे जो दर्शक हैं वो उनको उनका उनसे रूबरू होंगे आप। और किस तरह की शायरी है आपकी कि आपने बहुत कम अरसे में इस बिहार के पिछड़ा हुआ जो जिला है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी के बारपट्टी प्रखंड से आपने ये काम शुरू किया और आज आप पूरे हिंदुस्तान में आप एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। आप हर तरह के स्टेज पर आप गाए जाते हैं और तमाम शायरों के टेबल पर जो किताबें होती हैं उसमें आप पढ़े जाते हैं। देखिए, शायरी की जहाँ पे सबसे पहले तो मैं सलमान सागर साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपको आपकी कोशिशों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो शेर मुझे याद आया कि मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सबसे पहले तो आपकी कोशिश की दिल से सताइश होनी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि शायरी के हवाले से जो आपने कही कि किस किस्म की शायरी मैं करता हूँ, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायर जो होता है चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी जगह का हो, वो जाहिर है वो अपने अहद में अपने जमाने में लिखता है। तो उसके जमाने में जिस तरीके से आम हालात, सबसे पहले तो इंसान की जिंदगी में उसके नेचर ऊपर वाले ने मोहब्बत रखी है, सबसे पहले तो वो मोहब्बत की शायरी करता है। और मैं समझता हूँ जहां तक मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिससे पत्थर को भी मोम सिफत बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि मोहब्बत का पैगाम जितनी दूर तक पहुंचे वो पहुंचे। दूसरी चीज सामाजिक और मिली तौर पर हमारे समाज के अंदर, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू और मुसलमान के बीच जो तरीके का एक तरह की दरार की जो कैफियत है, जो लोग कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमान की जो हजारों साल पुरानी जो संस्कृति और तहजीब है उसको खत्म की जाए नफरतों से, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि शायरी के जरिए जो वो खलीज है वो दूरी है। आज के दौर में हिंदू मुसलमानों को के बीच में जो खाइयां पैदा करने की बहुत सारी कोशिश चल रही है, बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन खाइयों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, खाइयों को दूर करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के दौर में ये जो अभी चल रहा है मुसलमानों को बांटने की कोशिश चल रही है, या फिर आप ये कहें कि हिंदू और मुसलमानों को एक करने पर भी आपने कुछ शेर वशा लिखे होंगे, आप सुनाए, आप मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप गाकर सुनाए। और मैं आपको बताऊं कि इनकी आवाज भी माशाल्लाह काफी सुरीली है, काफी मतलब पसंद की जाती है, बहुत ही मीठी आवाज है इनकी। मैं चाहूंगा कि दो शेर आप हिंदू और मुसलमान को जोड़ने वाले शेर से आगाह करें। मैं चार मिसरा मैंने कभी कहा था, वो काफी पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी मशहूर हुआ जी, तो वो चार मिसरा मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ।
ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, ज़मीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं, लहू से प्यास वो अपनी बुझाते रहते हैं, जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, वो जान बूझ के दंगा कराते रहते हैं, वो जान बूझ के दंगा कराते रहते हैं। तो ये तो आपने बिल्कुल चोट कर दिया है उन लोगों पर जिनकी ये साजिशें होती हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम अगर मिलकर रहेंगे तो मेरी राजनीति की जो रोटी है वो दूसरे से नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की बात करें और अपने शेर और शायर से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप जाए और ये जो हमारी कौम है, ये जो हमारा मजहब है, ये जो हमारा देश है, ये जो मादरे वतन हिंदुस्तान है जिस मिट्टी से हमने जन्म लिया है और हमें इसी में दफन होना है, इसे एक करने के लिए, इसे एक बढ़ाए रखने के लिए और इसमें मजबूती कायम करने के लिए आप इस तरह के शेर बयान करते हैं और किस तरह के शेर आप पढ़ते हैं। और जैसे देखिए मैंने एक शेर करा था बल्कि इसी हिंदू मुस्लिम के तराजू में सुनाना चाहूंगा मैं। जी बिल्कुल, बातियों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए, और मंदिरों मस्जिद के झगड़े तो पुराने हो गए, दिल में अब एक दूसरे के प्यार। अरे वाह, क्या कह दिया आपने। तो उसी तरीके से आप देखे, मैंने कभी कहा था कि खड़ा हुआ हूँ जहाँ खुद से चल के आया हूँ, खड़ा हुआ हूँ जहाँ खुद से चल कर आया, मैं दुश्मनों की सफों से निकल के आया, दुश्मनों की सफों से खड़ा हुआ हूँ जहाँ खुद से चल के आया हूँ, मैं दुश्मनों की सफों से निकल के आया हूँ, बड़ा मकाम यूं ही मिल नहीं गया है मुझे, हजारों खाक की गर्दन कुचल के आया। अरे वाह, हजारों खाक के गर्दन कुचल के आया, मतलब आप अपने तमाम ख्वाहिशात को छोड़ करके उसको तर्क करके और फिर इंसान धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता है अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनतों से और दिन रात लगन से, जब एक जज्बा पैदा होता है तो फिर आदमी छोटी सी जगह से छोटे से कदम से शुरू करता है। और किसी शायर ने क्या तो कहा कि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो जमील शफीक साहब, बम्बई की एक टीवी है, क्या नाम है उस टीवी का, आई प्लस टीवी, आप उस टीवी के आप एंकर भी हैं, आपने वहां पर एग्रीमेंट किया है, आप वहां एज ए वहां पर किस हैसियत से आप वहां होते हैं और आप वहां किस तरह से काम करते हैं, आप ये बताएं। देखिए बॉम्बे के अंदर एक आई प्लस टीवी चैनल है जो लगभग पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग उसको सुनते हैं। जी बिल्कुल, और 24 घंटा वो टीवी चैनल चलता रहता है। तो उसकी भी एक कहानी, मतलब अजीबो गरीब है, वो ये है कि वहां पर एक प्रोग्राम दिए, मतलब सेट कर रहे थे लोग कलर्स ऑफ इस्लाम के नाम से। जी, तो कलर्स ऑफ इस्लाम के लिए जो बैकग्राउंड में आवाज चाहिए थी तो उसके लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से 350 ऑडियोज उन्होंने मंगवाए। तो उनके मन के मुताबिक मुझे भी वो चीज मेरे पास आई, तो 1 मिनट और 20 सेकंड की ऑडियो थी, तो मैंने भी रिकॉर्ड करके भेजा वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों ने सुना तो कहा कि भाई इसको इनको बुला लो। तो यहाँ से मैं भाई प्लेन गया था वहाँ, और वहाँ जाने के बाद मैं तो गया था मतलब बैकग्राउंड आवाज के लिए कि भाई 1-1.5 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होगी वो। तो मुझसे पूछा प्रोड्यूसर ने कि भाई आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं तो लिखता भी हूँ, राइटर भी हूँ, गाता भी हूँ, आप जो चाहे करा सकते हैं। तो ये कि तपाक हुआ कि वहाँ पर मैंने क्या कहते हैं कि प्रोग्राम ये तैयार था स्टूडियो मुशायरा का, लगभग 12 एपिसोड मैंने स्टूडियो मुशायरा और उसके अलावा और मेरी अलग से रिकॉर्डिंग हुई। तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और इस वक्त उसके रोज वो हर जुमा के रोज दिन में 2:30 बजे से और रात में 7:30 बजे से वो प्रोग्राम नशर होता है, और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। बल्कि वहां लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई ऐसा महसूस होता है कि टीवी चैनल के लिए आपको अल्लाह ने एक नेमत बना करके भेज दिया, आप नहीं आते तो शायद लाखों का नुकसान होता। ये कैसी हवा आज मातर सी चली है,
मामूर फजाए है मुसर्रत की घड़ी है, मुसर्रत की घड़ी है। हाँ उनकी रफाकत से थे जिब्रील भी आजिज, जिब्रील भी आजिज। हाँ उनकी रफाकत से थे जिब्रील भी आजिज, हाँ उनकी रफाकत से थे जिब्रील भी आजिज। मेराज के मेहमा की बड़ी धूम मची है, बड़ी धूम मची है। ये कैसी हवा आज मुअत्तर सी चली है, मुअत्तर सी चली है। और तारीख के पसे मंजर में ये शेर भी देखें। हिजरत की वो शब और थी कुफार की यूरिश, कुफार की यूरिश। हिजरत की वो शब और थी कुफार की यूरिश, हिजरत की वो शब और थी कुफार की यूरिश। कुछ खौफ नहीं गरज कयामत की घड़ी है, कयामत की घड़ी है। ये कैसी हवा आज मुअत्तर सी चली है, मुअत्तर सी चली है। ये कैसी हवा आज मुअत्तर सी चली है, मामूर फजाए है मुसर्रत की घड़ी है, मुसर्रत की घड़ी है। जैसे आपकी कोशिश में देखता हूँ तो मुझे एक बात यह है, मैं मेरा वो जुमला है, मेरा वो कोटेशन है कि शौक जब जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इंसान को बुलंदी मिलती है। जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल, उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो जब इंसान कोशिश करता है, आप सोच सकते हैं जैसा कि आपने तारुण में कराया, मेरा कहा कि भाई एक छोटी सी बस्ती। आपको मैं बताऊं कि मेरे गांव में जाने के लिए बदतर टू व्हीलर का रास्ता नहीं था। अब ये पिछले 5-6 सालों में वो बस्ती और वो इलाका डेवलप किया है। और मेरी हौसला अफजाई करने वाला, बाहर तो छोड़िए, मेरे घर में कोई और लोग नहीं थे जो मुझे मतलब जान पाते या समझ पाते, तो मुझ पर हंसते थे मेरी मेहनत और कोशिश को देखकर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 10 साल हो गए, पूरी रात जैसे बोलते हैं कि नींद सुकून से जो आदमी लेता है, पूरी रात शाम होते ही नींद आने लगती है, तो ऐसी नींद मुझे देखे हुए शायद मेरे ख्वाब का हिस्सा है। और मैं जितना जितनी ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि जर्नी करता हूँ उससे ज्यादा जानता भी हूँ। मतलब ये कहिए कि एक सबक के तौर पर आज की तभी तभी तो पूरे हिंदुस्तान में आपको बुलाया जाता है, आपको सुना जाता है, आपको पढ़ा जाता है। बहुत ही कम अरसे में, 10 साल के अरसे में आपने एक छोटे से गांव से सफर शुरू किया था और आप आज लगभग पूरे हिंदुस्तान के हर खत्ते में, हर स्ट्रीट में आप जा चुके हैं। आपने जलसों में, आपने सेमिनारों में, आपने मुशायरों में, आपने कवि सम्मेलनों में आपने भाग लिया है। आजकल हमारे दर्शक जो है वो ज्यादातर नौजवान है और नौजवान जाहिर सी बात है कि इश्क और मोहब्बत की बात ज्यादा करते हैं, उनके दिलों में जज्बा ज्यादा आता है। मैं चाहूंगा कि इश्क मोहब्बत पर आपके कुछ अशायर होंगे जो हमारे नौजवानों के लिए सुनाइए, जो कि ऐसा लगे नौजवानों को ऐसा लगे कि ये उनकी दिल की बात कह रहे हैं। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ जी। हवाएं बेखुदी की जब कभी भी तेज चलती हैं, हवाएं बेखुदी की जब कभी भी तेज चलती है, किसी की गर्म सांसें रूह के अंदर मचलती है, किसी की गर्म सांसें रूह के अंदर मचलती है। ताल्लुक वसल तक पहुंचे जरा मुश्किल तो है, लेकिन ताल्लुक वसल तक पहुंचे जरा मुश्किल तो है, लेकिन मुसलसल कोशिशों से दूध की नहरें निकलती हैं।
مسلسل کوششوں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہیں. واہ, مسلسل کوششوں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہیں, کافی اچھا شعر پڑھتے ہیں یار آپ, تبھی تو پورے ہندوستان میں آپ کو سنا جاتا ہے. اور کچھ ایسا شعر جو کہ آسان جملے میں ہو, آسان شبد و الفاظ میں ہو, جو آپ ہمارے درشکوں کو سنائیے اس کو محبت کے شعر. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بار بار کہ ہمارے جتنے بھی درشک ہیں زیادہ تر نوجوان ہیں, اور وہ سب 20 سے 30-35 سال کے لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں, جو وائس آف سٹامنی کو زیادہ سنتے اور دیکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جمیل اختر شفیق کوئی نیا نام نہیں ہے, پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے اتنی بڑی بلندی حاصل کی ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے میں انہیں لوگ سنتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ سیتامڑھی ضلع کا بھی نام روشن ہوتا ہے, بہار کا بھی نام روشن ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ایک کتاب آ رہی ہے, آپ کی کتاب کا نام ہے دھوپ کا مسافر, جس کو بہار سرکار دوارا مانتا دے دیا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سیتامڑھی ضلع سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کی کتابوں کو بہار سرکار نے مانتا دی ہے, منظوری دے دی ہے. اس میں سے ایک پرخیات شاعرہ کبتری آشا پربھات ہیں, اور دوسرے خود جمیل اختر شفیق ہیں. تو اس کے لیے بھی میں جمیل اختر شفیق صاحب کو مبارکباد دوں گا, بدھائی دوں گا. اور اب بیان کریں گے جمیل شفیق صاحب. جی میں سناتا ہوں آپ کو. چار جسے پہلے دیکھیے کہ میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائیں, میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائیں, میرے اپنے کا آسان لب و لہجے میں, میری کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ آسان لب و لہجے میں شاعری کی جائے. چونکہ شاعری وہ نہیں ہے جو سر کے اوپر سے گزر جائے, میرا مطلب یہ ہے کہ شاعری وہ ہے جو لوگوں کو سمجھ میں, جو عام لوگوں تک پہنچ جائے. جی 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 بالکل. تو میں نے کہا کہ میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائیں, میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائیں, عین ممکن ہے ابھرنے میں زمانے لگ جائیں, عین ممکن ہے کہ ابھرنے میں زمانے لگ جائے, میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائے, میرے اپنے ہی اگر مجھ کو دبانے لگ جائے, جی عین ممکن ہے ابھرنے میں زمانے لگ جائے. جی اب تو نے گونگا مجھے سمجھا ہے تو آپ مل کے کبھی دے, اتنا چیخوں کے تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائے, اتنا چیخوں کے تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائے. بے شک ایسی جذبات ہونے چاہیے نوجوانوں کے اندر کہ اگر کوئی شخص آپ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے, زمانہ لار چاہے آپ کے پاؤں میں جلدی پہنا دے. شیر مجھے یاد آتا ہے کہ تم میرے پیروں میں جنزیر پہنا سکتے ہو, تم میرے پیروں میں جنزیر پہنا سکتے ہو, تم میرے فکر کی پرواز کہاں رکو گے. تو جب نوجوانوں کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے, جب اس کے روح کے اندر, اس کے آتما کے اندر انقلاب آتی ہے, جب وہ کچھ کرنے کا خیال لیتا ہے, تو پھر زمانے کی بیڑیاں بھی اسے روک نہیں پاتی ہیں, اور تمام سرحدیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں, اور پوری دنیا اس کے سامنے مستق ہو جاتی ہے. تو میں اپنے وائس آف سیتامڑھی کے مادھیم سے میں آپ تمام نوجوانوں کے اندر ایسا جوش پیدا کرنا چاہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں, آپ جس کام میں ہوں, آپ جس فیلڈ میں ہوں, آپ اپنے اندر انقلاب برپا کریں, اور آپ اپنے کام میں آپ انقلاب لائیں, اور دیش اور دنیا کے ساتھ اپنے گاؤں, اپنے ضلع, اپنے ہندوستان کا نام روشن کریں. آسان لہجے میں میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. جی تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کو یہ پسند آئی غزل. جی جی. کیا پوچھتے ہو کیسے ستایا گیا مجھے, کیا پوچھتے ہو کیسے ستایا گیا مجھے, پتھر بنا کے شہر میں, پتھر بنا کے شہر میں لایا گیا مجھے, کیا پوچھتے ہو کیسے ستایا گیا مجھے, لگتا ہے میری موت کا پختہ پلان تھا, لگتا ہے میری موت کا پختہ پلان تھا, مدت کے بعد انہیں سے ملایا گیا مجھے, کیا پوچھتے ہو کیسے ستایا گیا مجھے. اور یہ شعر کی خصوصی توجہ,
हद हो गई के झूठी मोहब्बत के नाम पर, हद हो गई के झूठी मोहब्बत के नाम पर, आंसू बहा बहा के रुलाया गया मुझे, क्या पूछते हो कैसे सताया गया मुझे, किस जुर्म की सजा थी के तन्हा तमाम रात, आंखों में कैद करके जगाया गया मुझे, क्या पूछते हो कैसे सताया गया मुझे। और ये शेर देखे, सोचा था अब न बोलूंगा नाराजगी के बाद, हैरान हूँ के कैसे मनाया गया मुझे, क्या पूछते हो कैसे सताया गया मुझे। जमील साहब, आपके जज्बात को जब मैं तहरीर में, जब मैं आवाजों में सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिल जो है वो मुंह से बाहर आ जाएगा, एकदम बिल्कुल इतने जज्बात भरे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इतनी कम उम्र में माशाल्लाह इतनी बेहतरीन शेर शायरी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरे जमाने में एक से एक बड़े बड़े शायर बिहार से गुजरे हैं, आपकी शिकायत से भी गुजरे हैं, बड़े गुजरे हैं, लेकिन अब भी दौर चल रहा है, इस जमाने में शेर व शायरी बिल्कुल मरने के कगार पर है और बिल्कुल बुझने के कगार पर है। सिर्फ बिहार ही नहीं, इसका नहीं, बल्कि मैं पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूँ कि शेर व शायरी की जो सिफत थी, जो उस्ताद थे या फिर जो शागिर्द थे, उसमें कमी आने लगी है, आखिर ऐसी क्या वजह रही है। देखिए, एक बार मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले तो आप यह समझिए कि 2016 के आलमी रिसर्च के मुताबिक, इंटरनेशनल लेवल की जो रिसर्च है उसके मुताबिक, ये उर्दू जो है वो दुनिया की दूसरी जुबान है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है पूरी दुनिया के अंदर। और उससे आगे आपको ये बताऊं कि शायरी न कभी बुझी थी, न बुझी है, न बुझ रही है, फर्क इतना यह है कि सुनने वाले का लेवल बदल गया, सुनने वाले का लेवल बदल गया। पहले लोग, हमारे बच्चे या खुद मैंने भी अपनी जिंदगी में एक एक लफ्ज के लिए, एक एक शब्द के लिए मैंने डिक्शनरी की इतनी खाक छानी है, और एक शब्द को कैसे पिरोया जाए शायरी में, कैसे उसको मतलब तहजीब बनाया जाए, खुद बनाया जाए, तो इसके लिए मैंने कितनी मेहनतें की है मैं आपको बता नहीं सकता। एक जमाना था कि दिन भर में, यानी 24 घंटे में मैं रोज का मालूम था कि 500 सफर से कम नहीं पढ़ पाता, ये वो जमाना था। तो अब लेवल घट गया, अब हाल यह है कि शायरी मतलब अब आजकल की जो जनरेशन है वो सुन करके डायरेक्ट समझना चाहती है, गौर नहीं करना चाहती। हाँ, अब सवाल यह है, अब सीतामढ़ी की अगर बात कर रहे, चूंकि वॉइस ऑफ सीतामढ़ी के हवाले से आप काम करते हैं, तो सीतामढ़ी के हवाले से एक बात मैं आपको ये कहूँ कि देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है सीतामढ़ी के अंदर खासतौर से, कि हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना, बर्दाश्त शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये शायद मतलब उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिन लोगों का लेवल हाई नहीं है, कि आदमी अगर मान लिया आप अच्छा काम कर रहे हैं सलमान सागर साहब, तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको चाहिए कि जब हम बैठे हुए अगर बुद्ध की तरह, तो अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो उनको सराहना चाहिए, सराहना। एक जमाने में 7-8 साल पहले मैंने ये कोशिश किया था कि बार बार प्रोग्राम के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किए मैंने, जो आप जानते भी हैं सीतामढ़ी के मुख्तलिफ जगहों में, लेकिन ये हुआ कि सूरत हाल ये भैया कि भाई आप नाम करेंगे ना करने दें, तो अगर हम माहौल बनाए, इस वक्त हिंदुस्तान में आप शायरी की जहां तक शायरी का लेवल अगर आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, तो अच्छी शायरी भी सुनी जाती है और उस पर बात होती है, तो वहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड जैसे जैसे हमारे सूबे का, रियासत का, इलाके का आगे बढ़ेगा ऊपर, तो हमारे जनरेशन का स्टेटस भी काफी बुलंद होगा, तो उस तरीके से माहौल बनाया। एक बात और मैं इसकी करूंगा, सीतामढ़ी के माध्यम से भी मैं दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ, उर्दू जबान, ये जो उर्दू जबान है, बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, उर्दू सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं, मुसलमान ही लिखते हैं, ये उर्दू जबान है क्या, और उर्दू जबान में इतनी मिठास कैसे आई, उर्दू जबान जब कोई पढ़ता है, जब कोई बोलता है, तो बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल बात जो होती है, जो हम आपसे कह नहीं पाते हैं, जब उसे उर्दू में बयान करते हैं,
तो बड़ी खूबसूरत लहजे में, बड़ी खूबसूरत शब्दों में उसे फिरो करके आदमी सामने वाले को बड़ी से बड़ी बात कह भी देता है और सुनने में बहुत आसान लगती है, बहुत अच्छे तरीके से आदमी उसको महसूस करता है। उर्दू जबान आखिर ये किसकी जबान है, मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं आपकी जबान से सुनना चाहूँ किसकी जबान है और क्या इसको सिर्फ मुसलमानों की जबान समझना बेहतर है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, आपने सबसे पहले ये बात कही कि भाई उर्दू किसकी जुबान है, तो इस सिलसिले में मैं आपको कहूँ कि उर्दू न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, उर्दू इंसानियत की जुबान है। इंसानियत हिंदुस्तान के अंदर जब उर्दू पैदा हुई तो उर्दू के सब बसब कदम ब कदम हर मकतबे फिक्र और हर कौम हर कबीले के लोग साथ साथ थे। अब यह है कि बाद में पॉलिटिशियन ने, जो लोग हिंदुस्तान में गंदी सियासत करना चाहते थे, उन लोगों ने हिंदी को और उर्दू को दो खानों में बांट दिया। जबकि मैं अक्सर इस बात कहता हूँ कि दुल्हन की दो खूबसूरत आंखों का नाम हिंदी और उर्दू है। अगर किसी खूबसूरत दुल्हन की एक आंख अगर आप फोड़ दीजिए तो दुल्हन की पूरी सूरत खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति उर्दू में, हिंदुस्तान की जो तहजीब है पूरी की पूरी हिंदी और उर्दू में बसी हुई है। जी, और एक बात और मैं आपको बताऊं, एक गलत फहमी लोगों में है कि भाई उर्दू सिर्फ मतलब क्या कहते हैं कि मुसलमानों की जुबान है, तो आपको मैं बताऊं कि पिछले जमाने में अगर आप चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग हिंदी के, बड़े बड़े लोग उर्दू के शायर हुए, उर्दू के अदीब हुए, उर्दू लिटरेचर का बड़ा नाम हुआ, जैसे जगन्नाथ आजाद को ले सकते हैं, इकबाल मतलब अबुल कलाम आजाद और इकबाल वगैरह के सिलसिले में उनका बड़ा काम है, राजेंद्र सिंह बेदी है, कुंवर सिंह बेदी है। अभी के जमाने में आप देखिए ये गोपी चंद नारायण, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, पीपी श्रीवास्तव जी है, क्या कहते हैं पंजाब के, वो इतनी उम्दा शायरी करते हैं, मुंशी प्रेमचंद है, वो तो खैर पुराने जमाने में होंगे। अभी एक परवीन कुमार अश्क है बॉम्बे से, वो बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम है जो अच्छी शायरी करते हैं। एक बात और आपने सवाल किया उस सिलसिले में, मैं आपको बताऊं, आपने एक सवाल ये किया कि उर्दू से लोग मोहब्बत इतनी क्यों करते हैं, तो इस सिलसिले में एक बात मैं आपको बताऊं कि उर्दू की खुशकिस्मती ये है कि उर्दू का दरवाजा हर जुबान के सरल शब्दों के लिए खुला रहता है। किसी भी जुबान का कोई लफ्ज अगर आम बोलचाल में अगर इस्तेमाल होता है, या फिर ये कहिए कि अगर वो शब्द फुटपाथ पे अगर रेंगते हुए दिखाई देते हैं, उर्दू इंसानियत के नाते उसको बढ़कर कलेजे से लगा लेती है। एक समझिए कि एक मैला कुचैला बच्चे को झाड़ साफ सुथरा कर करके उर्दू इतना खूबसूरत बना देती है, उसके अंदर खुशी पैदा हो जाता है, ये उर्दू की। तो बहुत जाने माने शायर, पूरे हिंदुस्तान में सुने जाने वाले शायर जमील अख्तर शफीक साहब, आप हमारे ऑफिस में आए हैं और आपने अपना कीमती वक्त दिया, वाज सच्चा मुझे को दिया, और आपको मैं ये दुआ करूंगा, मैं ये शुभकामना दूंगा आपको कि आप इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सुने जाएं, पढ़े जाएं, और आपका दर्जा जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जाए। तो लेता हूँ विदा जमील अख्तर शफीक के साथ, फिर अगली बार किसी दूसरे सीतामढ़ी जिला के बड़ी शख्सियत के साथ मैं रूबरू हूंगा, मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए पूरी वॉइस ऑफ सीतामढ़ी टीम के साथ दीजिए इजाजत। थैंक यू।